जी सही है, नया नहीं, यंग यंग है, यंग ब्रिगेड का सबसे बड़ा सबसे मजबूत सिपाही है ये बोल सकते हैं, नया नहीं बोल सकते। और जो स्टोरी है हमारी फिल्म की जमाई राजा की, सही बोला इन्होंने कि उसके कैरेक्टर के चुलबुलाहट को देखते हुए एक ही चेहरा सामने आता है, चिंटू जी, तो इसलिए इनको साइन किया गया, इनसे बोला गया, बताया गया इनको फिल्म के बारे में। और फिल्म की स्टोरी बहुत ही प्यारी है, जिसको मुझे लगता है कि शायद एक और इकलौता ऑप्शन था इनको साइन करना। जमाई राजा नाम से क्लियर है कि जमाई राजा, जैसे बात है इसमें जमाई है, वो घर जाके जमाई बनते हैं। लेकिन अब तक मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी फिल्में अभी तक भोजपुरी में आई, एक एक्शन 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 पैक दौड़ गया, लेकिन इस फिल्म में आपको एक्शन, रोमांस, लोगों से जो प्यार मोहब्बत, जो घर की परिवार की एक प्यार मोहब्बत भूलते जा रहे हैं और एक्शन के पीछे भागते जा रहे हैं, इसमें वो सारा पैकेज मिलेगा आपको। एक्शन मिलेगा, रोमांस मिलेगा, एक आपसी लगाव, एक भाई बहन, माँ बाप सबसे क्या लगाव, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूरा कंप्लीट पैकेज है ये। नहीं, दहेज प्रथा तो ख़त्म हो जाएगी, ये हमारे और आपके चाहने से होगा। हम कोशिश कर सकते हैं, हम उसको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि दहेज प्रथा में लोग लड़कियों से दहेज लेते हैं, उनको लेके आते हैं, यहाँ पे लड़की वाले दहेज दे रहे हैं लेकिन लड़के को विदा के रख ले जा रहे हैं। तो ये कुछ और चीज़ें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो फिल्म में देखने को मिलेंगे आपको, उसमें पता चलेगा। शूटिंग हम लोग नेक्स्ट मंथ में शुरू कर रहे हैं, इसको डेट डिसाइड कंफर्म नहीं है, सेकेंड वीक से शुरू कर रहे हैं और मुंबई में ही शूट करेंगे पूरी फिल्म। गाने आपको हर तरह के गाने मिलेंगे, मैंने जैसे बताया कि इसमें आपको रोमांस मिलेगा, एक जो गीत होता है, एक व्यवहार गीत, या जिस समय हम लोगों का शादी में वार्ता में जो गाँव में गीत गाए जाते हैं वो फील भी आपको मिलेगा। तो आज हम लोग गाने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इंदु सोनाली जी की आवाज़ में, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है अपनी फिल्म का, बिल्कुल करा सकते हैं। कुछ फिल्मों को देखने से नहीं, इनको देखने से, इनकी फिल्मों को ट्रेलर देखने से, और अभी लेटेस्ट इनका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रंगीला के लिए। तो हम लोग इन्हें बैठे बात भी कर रहे थे, इनको मोहब्बत हुई जिसमें रंगीला हो गए, ये अभी ससुराल पहुँचेंगे और ससुराल के बाद तो जमाई राजा बनना ही था, तो ये पूरा एक चैन चलता आ रहा है, आगे देखते हैं क्या आता है। रंगीला मई महीने में रिलीज होने की पूरी संभावना है, इसका ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल डेट रिलीज़ का अनाउंस किया जा रहा है। रंगीला की जहाँ तक की बात की जाए तो रंगीला अब तक की भोजपुरी की सभी फिल्मों में से काफ़ी हटके फिल्म है, क्योंकि उस फिल्म में हमने भोजपुरी से हट के काफ़ी लोगों का ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्लेन आते थे कि आज जो युवा वर्ग हैं, आज के जो नए जनरेशन है, वो सब कहते थे कि भोजपुरी में एक ही टाइप का, एक ही तरीके का प्रथा चलते आ रहा है, एक ही टाइप का सिनेमा बनते आ रहा है। तो मैंने और हमारी टीम ने, रंगीला की पूरी टीम ने ये प्रयास किया है कि रंगीला को एक नए रंग में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए और लोग रंगीला को, चिंटू को, वो एक नए रूप में, एक नए रंग में देखें। और रंगीला के रंग फिल्म में, रंगीला में बहुत सारे हैं। खैर, रंगीला बहुत जल्द आप सबके सामने रिलीज़ होने वाली है। और मैं अभी बात करूँ तो जमाई राजा की, जमाई राजा मेरा दावा है कि बहुत खूबसूरत, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ही कर्णप्रिय गाने और बहुत ही धमाल चौकड़ी के साथ ये फिल्म का निर्माण होने जा रहा है, बहुत ही धमाल के साथ सिनेमा बनने जा रहा है। तो मैं हमारे सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को अपना पूरा प्यार दें, आशीर्वाद दें कि फिल्म बहुत सफल, बहुत खूबसूरत बने और आप सबके बीच अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर लगे। वो अभी गाने भी रिकॉर्ड होने बाकी हैं, पुराने सुना दें। एक फिल्म अभी जो रंगीला की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक गाना है, चुलबुलाहट सा गाना है कि हर गोर बदनवा देख के मनवा लागे लवे फील करता, तलाली होठवा के करे दतु गील, ए रानी बड़ा दिल करता। ये एक थोड़ा छेड़छाड़ नुमा गाना है, इस प्रकार के सारे गाने हैं फिल्म में। और जब भी ये फिल्म लगे आप सब लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जाके आज फिल्म की रिकॉर्डिंग होने वाली जमाई राजा की गा रही हैं जी, इंदु जी तो हमेशा से एक बहुत सुप्रीम और बहुत ही सीनियर सिंगर रही हैं और हम सभी ने उनके गाने हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, काफ़ी हिट गाने रहे हैं उनके और उन्होंने जब भी कोई गाना गाया है बहुत कर्णप्रिय वॉइस है उनकी, जब भी उनके गाने सुनते हैं बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे दर्शक जब भी उनके गाने आते हैं सभी लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और अपने उनके गानों की हम बोल नहीं सकते उनके गानों के बारे में क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत एक लेजेंडरी और बहुत खूबसूरत सिंगर हैं। तो मैं चाहूँगा कि बस यही प्यार, यही आशीर्वाद आप सब लोग बनाए रखें। थैंक यू सो मच।